ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं अविनाश चौधरी, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहिणी के वार्ड नंबर 34 में। अब यहां पे हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है यहां की जनता की राय और इस बार जनता किसको देखना चाहती है एमसीडी चुनाव में, क्या है यहां की ज़मीनी हकीकत, हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर, यहां पे इस बार नगर निगम चुनाव में किसको देखना चाहते हैं? झाड़ू वाले को ही क्यों सर? और भी पार्टियाँ हैं, झाड़ू वाले को ही क्यों? नहीं जी, हमारे को तो वही अच्छा लगा। अच्छा भाई, झाड़ू वाला ही? हाँ। और पार्टियाँ? नहीं जी, हमें और पार्टी से कोई मतलब नहीं, हमारे को काम करके दिया उसने। क्यों? यहाँ पे हमारे यहाँ पानी नहीं था, शुरू में आते ही उसने पानी दिया हमें 22 दिन में। यहाँ पे पीने का पानी नहीं था, यहाँ टैंकर आता था, रोज लड़ाइयाँ होती थी टैंकर के ऊपर। उसने आते ही शुरू में आते ही हमारे को पानी दिया पीने के लिए, तो हमारे को तो वो अच्छा है। तो कितना आम आदमी पार्टी को कितना समर्थन मिलेगा बाबूजी? कम से कम 80-90% मिलेगा। जो भाई वो करेगा हमें सपोर्ट, उसी को ही देंगे। जो अच्छा ही हमारे को दिखाई देगी उसी को ही देंगे। वैसे तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में देख रहे हैं काफी अच्छा। वो आप बताइए मैम, किसको देखना चाहते हैं? मैं आप पार्टी वालों को ही देखना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे इलाके में उन्होंने ही विकास किया है। और पार्टी कोई नहीं? और पार्टी भी ठीक है, बीजेपी भी ठीक है, पर हमारे इलाके में जिन्होंने किया है तो हम तो उनको ही सपोर्ट करेंगे। आप पार्टी वालों ने ही यहाँ पानी का वो करा है। हम आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी? हाँ जी। आम आदमी पार्टी क्यों सर? और भी पार्टियाँ हैं, मतलब आप और भी पार्टियों का रीजन बताओ। नहीं नहीं, आम आदमी पार्टी आप बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी, हम नहीं बोल रहे हैं कि ये पार्टी बताओ या वो पार्टी, वो आप बताओगे। अगर आम आदमी पार्टी बताए तो आम आदमी पार्टी की कुछ चीज़ें अच्छी लगी होंगी काम, तो उसी हिसाब से बताइए। हम किराए पे रहते हैं जी यहाँ पे। अच्छा। हमें बिजली पानी है, इन चीज़ों की सुविधा है सर जी। आम आदमी पार्टी की चीज़ें ये देखिए, हमारे घर पे साफ सफाई सबकी सुविधा, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं सबकी सुविधा है। आप बताइए सर, आपकी क्या राय है, कौन आना चाहिए इस बारे में? केजरीवाल। और पार्टी नहीं, केजरीवाल ही सर? केजरीवाल। ये तो जो मेरे को लगानी पड़ रही ना झाड़ू, तो फिर मेरे को लगानी नहीं पड़ेगी फिर केजरीवाल सरकार के, जो एमसीडी में जो मजबूती है ना उसमें झाड़ू। ये इसी तो गंदगी तो है यहाँ, और है क्या जी? अब देख लो क्या हाल हो रहा पार्कों का। जी जी, देख लो अभी मैंने खुद लगाई, कोई एमसीडी वाला कोई आता ही नहीं है। केजरीवाल को आना बहुत ज़रूरी है। मैम आपकी क्या राय है, क्या चाहती हैं इस बार एमसीडी में कौन आना चाहिए, कौन सी पार्टी आनी चाहिए एमसीडी में? एमसीडी में केजरीवाल जी आना चाहिए। केजरीवाल जी सर, और केजरीवाल को ही क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे घूमे वार्ड में, लोगों से जानने की कोशिश की, सब केजरीवाल ही बोल रहे हैं, तो फिर केजरीवाल ही क्यों मैम? और भी पार्टियाँ? केजरीवाल ने काम किया है हमारे लिए। अच्छा। तो बिजली पानी सब कुछ सही है, और जहाँ कॉलोनी में पानी नहीं है वहाँ पे पानी दिया है, और स्कूलों की बस सबसे बढ़िया बात यह है बच्चों को सुविधा दी है शिक्षा के लिए। महंगाई दुनिया भर की हो गई है, हैं हर चीज का। महंगाई का जिम्मेदार किसको मानते हैं भाई? ये सब उसको ही मानते हैं हम तो, मेरे को तो इतना वो बोलना आता नहीं है। महंगाई इतनी हो चुकी है, अब काम कमाई खत्म हो गई कोरोना की वजह से जी। अब इन सरकार को ये तो सोचना चाहिए वही काम कमाई कम रह गई और महंगाई इतनी दुनिया भर की, कहाँ से क्या करेगा? बताइए सर क्या चाहते हैं एमसीडी में इस बार, किसको देखना चाहते हैं? दिल्ली में तो केजरीवाल को देखना चाह रहे हैं। दिल्ली में जो एमसीडी की बात कर रहे हैं, एमसीडी में दिल्ली में जो केजरीवाल ने किया वो आज तक किसी ने किया ही नहीं अभी तक। एमसीडी में केजरीवाल आए नहीं अभी, बीजेपी एमसीडी में तो बीजेपी फिलहाल है। इस बार बीजेपी का तो काम बढ़िया है ही नहीं, एक भी नहीं बढ़िया है। अच्छा, जो गरीब आदमी है सब भाग ही रहा है यहाँ, और केजरीवाल ने तो सब कुछ दिया सुविधा। अब मान लीजिए जो रोड पे यानी जो रेडी वगैरह लगा रहे हैं बीजेपी वाले सब हटा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ थी वो बीजेपी वालों ने खत्म कर दिया। अब जब फैक्ट्री नहीं रही, दिल्ली में आदमी आया किस लिए था भाई? दो रोटी खाने के लिए आया था, जब रोटी नहीं मिलेगी तो अपने गाँव में नहीं रहेगा आदमी। तो क्या चाहते हैं इस बार एमसीडी में केजरीवाल? किसको देखना चाहती मैम एमसीडी चुनाव में? केजरीवाल को। केजरीवाल को? क्योंकि बच्चों को ना अच्छे से क्लास में स्कूल भी मिली, सारी शिक्षाएं मिली, और बहुत सी चीज़ें हैं बच्चों को मिली हैं, और स्कूल में पार्क भी है, झूले भी हैं केजरीवाल की वजह से। इसको देखना चाहते हैं इस बार आम आदमी पार्टी को सर? आम आदमी पार्टी क्यों सर? क्योंकि इधर घूमे आपके वार्ड में लोग सब आम आदमी पार्टी को ही बोल रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी जो अच्छा काम करेगा हम तो उसको वोट देंगे ना जी, उसको आगे लाएंगे हम।
क्योंकि उन्होंने स्कूल में अच्छा काम किया है, पानी दिया है, पानी दिया है, इतना दिया है कि 20 सेक्टर आपके लिए, तो इसलिए चाहते हैं कि जी एमसीडी में आम आदमी पार्टी ही आए। आप बताइए मैम, किसको देखना चाहती हैं भाई? उसी को ही देखेंगे जो सब देखेंगे, पूरा 20 सेक्टर आम आदमी पार्टी को ही देखेंगे। किसको देखना चाह रहे हैं पूरा 20 सेक्टर आपका? अरे जिसको सभी दे रहे हैं, केजरीवाल को ही देखेंगे सब, और किसको देखना है? और क्या आपके इससे आम आदमी पार्टी से ही दावेदार रहेंगे राजीव मेहरा, तो इनको जानते हैं? इनको क्या, राजीव मेहरा आम आदमी पार्टी से ही? राजीव मेहरा हमारे भाई हैं, छोटे भाई हमारे। अच्छा, हाँ जी, तो उनको जानते हैं? अच्छी तरह जानते हैं। उनका बात व्यवहार ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे इंसान है। क्योंकि आप और सबसे बड़ी बात तो वो शिक्षक हैं, ठीक है ना जी, और हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और सबके हित के बारे में सोचते भी हैं। आप लोगों के बीच में रहते हैं वो? जी हाँ बिल्कुल रहते हैं। अच्छा। क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात की तो वो भी आम आदमी पार्टी से ही दावेदार हैं। जी हाँ, वो भी लेने, तो क्या लगता है कि उनको मौका देना चाहिए? नहीं, अच्छी बात है, मौका तो देना चाहिए सर। देखो जो बात है, जो अच्छा काम करेगा उसको मौका मिलना चाहिए। अच्छा, क्योंकि बता रहे हैं आप कि आप लोगों के बीच में रहते हैं, मौजूद रहते हैं, आते जाते रहते हैं, तो ये जो समस्याएं आपके उसमें हैं, आपके वार्ड का विकास कर पाएंगे? देखो वार्ड का विकास, अगर उनको उस चीज़ की अगर सीट मिलती है तो विकास करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो सबसे अच्छी पार्टी है, और अगर उनको सीट मिलती है तो अच्छा काम करेंगे। वो बिल्कुल शिक्षक हैं, वो जिम्मेदार हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। बताइए सर, इस बार एमसीडी चुनाव में किसको देखना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी क्यों सर, और भी पार्टियां हैं? और भी पार्टी है, मगर हम इस पार्टी को ही वोट देंगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत अच्छा काम करा है, कई सुविधा मेरे को गाड़ी पासिंग में भी मिली है हमारे, और घर का बिजली का बिल हमारा जीरो ही आता है, पानी का बिल भी जीरो ही आता है, वैसे तो पानी का तो है ही नहीं आता। तो अभी पिछले जो यहाँ पे हैं, जो भी कार्यकाल जिसका भी रहा, कितना खुश है उनसे? काफ़ी ज़्यादा खुश है, अच्छा काम करा उन्होंने भी, खूब आया है, नाली वाली खूब साफ़ होती है हमारे यहाँ, सीवर वगैरह की मशीनें लग भर गए थे तो मशीनें लगाई थी, बिल्कुल साफ़ हो गया, ऐसी कोई हमारे को दिक्कत नहीं आ रही है, मगर आम आदमी पार्टी हमारे को चाहिए। बताइए सर, एमसीडी चुनाव में किसको देखना चाहते हैं? सिर्फ केजरीवाल ने इतना कर दिया उन्होंने, बहुत ज़्यादा, पानी फ्री, बिजली फ्री, स्कूल इतने बढ़िया बना दिए उन्होंने, और बाकी तो नहीं जी, जो भी है केजरीवाल जी है। किराएदारों का भी क्या कहते हैं, बहुत फ़ायदा करा है, मकान मालिक को तो है ही है, सबका ही फायदा करा है, जब मकान मालिक का फायदा होगा तो किराएदारों का फायदा होगा। तो आपको लगता है कि केजरीवाल जी ही आने चाहिए? मेरे हिसाब से तो जी, मेरे हिसाब से दिल्ली के अंदर तो केजरीवाल जी ही हैं। आम आदमी पार्टी में ऐसी क्या खासियत है मैम, सब आम आदमी पार्टी को ही बोल रहे हैं? भाई दिल्ली में तो आम आदमी है और केजरीवाल है। अच्छा, और कोई सब हमें सब चीज़ से आराम है, लाइट वाइट में हर चीज़ में आराम है। तो आपको लगता है कि अगर एमसीडी में केजरीवाल, आम आदमी पार्टी आती है केजरीवाल जी की, तो और भी सुविधा मिल पाएगी? हाँ मिलेगी सुविधा। ठीक है, और भी हम आगे बात करेंगे लोगों से और आपको बताएंगे। बताइए सर, क्या है यहाँ वार्ड का माहौल, क्या चाहती है यहाँ की जनता? बीजेपी ने कोई सफाई नहीं कराई, सब गंदगी पड़ी है, नाली भरी ढाड़ी है। तो इस बार क्या चाहते हैं? अब तो ये खाते केजरीवाल की सरकार बने, जो हवाई सफाई हो। अच्छा, हाँ अच्छी व्यवस्था। आपको लगता है कि जो काम नहीं हो पाया, जो साफ सफाई नहीं हो पाई, वो केजरीवाल जी कर पाएंगे? विश्वास है केजरीवाल करेगा, केजरीवाल करेगा। आप बताइए मैम, आप क्या चाहती हैं, आपकी क्या राय है, कौन आना चाहिए एमसीडी में? झाड़ू वाला केजरीवाल। आप बताइए मैम, आपकी क्या राय है? झाड़ू वाला। हाँ झाड़ू वाला ही क्यों मैम? झाड़ू वाला ही हमें खास क्या, हमें जो अच्छा किया है इसलिए झाड़ू वाला ही हमारा पसंद है। अच्छा, कुछ बताएंगे जो आपके लिए झाड़ू वाले किए हैं? झाड़ू वाला किया है, जो हमारी ये बिजली का ये है थोड़ा कम कर दिया, पानी का दिक्कत था पानी का ठीक कर दिया, गाड़ी का किराया जो है हमें कम आना नहीं है वो उसमें हमारा थोड़ा ठीक कर दिया। क्या चाहते हैं एमसीडी में, किसको देखना चाहते हैं आप? देखो ऐसा कि जो यहाँ पे काम करना चाहता है, अब ऐसा कि मान लो केजरीवाल हुए या मतलब ऐसा कोई और भी हुए, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि यहाँ पे जो काम करेगा ना, या केजरीवाल आए तो और अच्छी बात है, नहीं तो अगर वो काम करके दिखाएं, लेकिन जो फ्री फ्री की सेवा है ना, ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि काम करने का मौका देंगे जब तो
काम करके दिखाएंगे। आप काम करने का क्या, हम वोट ही दे सकते हैं उनको और क्या करेंगे? तो क्या चाहते हैं, किसको वोट देना चाहते हैं इस बार, क्या चाहते हैं, कौन पार्टी आनी चाहिए? आप देखो ऐसा है कि हमारा तो यही है, जो दिल्ली में पूरे बहुमत से तो यही पड़ी है, वो क्या नाम है, झाड़ू है अपनी आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी से ही अगर हो सका तो आम आदमी पार्टी आ सकती है। इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं दिल्ली वालों के पास में, क्योंकि और कोई पार्टी है ही नहीं। आप देख, आप भी देख रहे हो इस चीज़ के लिए, तो मान लो कि आपने कांग्रेस को भी देखा, बीजेपी को भी देखा, अब इसको एक बार इसको देख लेते हैं एक बार, कैसी तो चली रही है आम आदमी पार्टी को ही आना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो कि भाई कांग्रेस को भी देख लिया, या मान लो कमल वाले को भी देख लिया, अब मैं एमसीडी के अंदर केजरीवाल को भी देख लें, भाई ये क्या करते हैं, मान लो आके मौका देना, बिल्कुल मौका देना चाहिए, मान लो हर आदमी को मौका देना चाहिए, अब मान लो कि एक मौका तो जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि लोगों से हम बात किए, लोगों से बातचीत के दौरान ये चला कि जहाँ के निगम पार्षद है यहाँ पे कुछ नहीं काम करवाए, यहाँ उनसे लोग दुखी हैं, इस बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी को ही देखना चाहती है जनता। सबकी राय है कि आम आदमी पार्टी यहाँ के लिए बहुत कुछ की है दिल्ली के लिए, और इनका कहना है कि जो भी और पार्टियाँ यहाँ पर काम नहीं कर पाई वो आम आदमी पार्टी करके दिखाएगी। और भी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी, कैमरामैन सुशील के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।